नमस्कार साथियों, मैं यूडेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे पाठशाला पे। देखो, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे की शिफ्ट में एक ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक है जो ज्यादातर शिफ्टों में पूछा जा चुका है ना। तो मैं आज आप लोगों को पूरी तरह से ऑक्सीडेशन का जो ठेला है ना वो खत्म करने वाला हूं। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाली कैसे जाती है। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आने वाला हूं। ओके, तो याद रखना, हम लोगों को पूरी तरह से समझना है ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना। चलो फिर हम लोग ये सारी बातें क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये मैंने वो सारे क्वेश्चन लिए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। H3PO4 में PT, H3PO3 में PT, H3PO2 में PT। अगर आप थोड़ा गौर से देखिए तो मैंने तीनों फॉर्मूले में PT ऑक्सीडेशन नंबर पूछी है। देखो, होता क्या है कि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर मुझे पूछी जाती होता है उसको हम लोग X मानते हैं, लेकिन हाइड्रोजन भी बीच में, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है। ओके, और मुझसे पीछे किसकी रही है? PT। तो हम एक काम करेंगे, हाइड्रोजन की अगर +1 है तो 3 हाइड्रोजन की हो जाएगी 3 × +1। PT मुझसे पूछी रही है तो आप एक काम करिए, PT ऑक्सीडेशन नंबर को X मानिए, और देखिए ऑक्सीजन की -2 है तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 × -2। लास्ट में किसी भी कंपाउंड के लिए आपको 0 करना है, किसी भी कंपाउंड के लिए 0 करना है। हाँ, अगर कंपाउंड ना होता, ये कोई आयन होता तो फिर जरूर हम लोग उसको प्लस और माइनस में बताते। ओके, तो कंपाउंड है इसलिए लास्ट में आपको क्या करना है? 0 करना है। अब दोस्त यहां क्या हो जाएगा? यहां 3 हो जाएगा, यहां पर X हो जाएगा, यहां पर -8 बराबर 0। अब आप खुद समझ सकते हैं कि यहां पर PT ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही। तो देखिए, PT ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ रही है। कितनी आ रही? तो कह देना +5 आ रही। ओके, और बात करते हैं, अगर H3PO3 में पूछा जाता तो आप थोड़ा स्पीड लेके आइए। तो हाइड्रोजन की आपने कहा कि +1 होती है तो 3 × +1। फास्फोरस की आपको निकालना है और ऑक्सीजन की होती है, देख लीजिए, -2। देख लो, बताइए कर सकते हैं ना। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर 3 + X − 6 = 0। अगर यहां से मैं X बराबर निकालू तो X बराबर देखो +3। आप लोग थोड़ा गौर से देखिए तो फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो अलग अलग फॉर्मूले में अलग अलग हो सकती है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स नहीं होती, अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग हो सकती है। उसके अलावा मैं H3PO2 में पूछूं तो आप कह सकते हो 3 × +1, फास्फोरस की मुझे निकालनी है और ऑक्सीजन की -2 होती है, 2 × −2 = 0। चेक कीजिए, अब बताइए। अरे मैं यहां से पूछूं कि 3 + X − 4 = 0। फाइनली बताइए, अगर मैं यहां से देखूं तो X की कितनी मान आना चाहिए? तो X बराबर आ जाएगा, कह सकते हो +1। तो अलग अलग फॉर्मूले में देख लीजिए, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग निकली है। ओके, चलिए उसके अलावा और फॉर्मूले देखिए, H2SO4 का देखिए, H2SO3 का देखिए, H2S4O6 का देखिए, बट और सभी में मुझे सल्फर निकालनी है। तो सेम कॉन्सेप्ट और सेम आंसर निकलेंगे। देखिए ना, हाइड्रोजन की आपको पता है कि +1 होती है 2 × +1, सल्फर की मुझे निकालनी है और ऑक्सीजन की होती है 4 − 2 = 0। बताइए, अरे बताइए, अरे यहां से मैं X बराबर पूछूं तो ये 2 + X − 8 = 0। तो यहां से देखिए, X जो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आई वो +6 निकल के आई, +6। फिर आता है H2SO3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो फिर वही सेम लॉजिक, हाइड्रोजन की +1 है 2 × +1 और सल्फर की मुझे निकालनी है और 3 × ऑक्सीजन की हो जाएगी −2 = 0। बताइए, फिर आप देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, तो यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर +X, यहां पर −6 = 0। तो सल्फर की देखिए यहां से आ रही +4। आप देखिए, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ रही है ना। तो बदलती हुई ऑक्सीडेशन नंबर भी आ सकती है, H2S4O6। अब आप गौर से देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन की +1 मान लूं तो +2 हो जाएगा। अब देखो H2S4, तो अगर मैं सल्फर की X मानता हूं तो ये 4X और ऑक्सीजन की आपको पता है -2, तो 6 × 12 −12 = 0। ओके, आप देखिए, अगर मैं यहां ले जाऊं तो 4X बराबर आ जाएगा तुम्हारा 10, लेकिन अगर मैं X बराबर पूछूं तो X बराबर हो जाएगा +2.5। तो याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा +2.5 भी आ सकती है, लेकिन जब भी कभी +2.5 अर्थात एक दशमलव में मान आए तो ये तुम्हारा कहलाता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, याद रखिएगा, तो जब भी दशमलव में आए तो समझ जाना वो तुम्हारा एवरेज है। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं,
लेकिन ध्यान रखना 8 दशमलव में आता है तो आप इसको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कहना, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी अलावा और मैं कुछ पॉइंट देखता हूं, जैसे कि और भी देखिए, H2O में OT, O2F2 में OT, H2O2 में OT है ना। अब इसमें भी देखिए अलग अलग निकलेगी, तो आपको पता है कि H2O2 में अगर OT निकाली जाए तो 2 × +1, और ऑक्सीजन भी मुझे निकालना है इसलिए मैंने +X मान लिया बराबर 0। तो आप डॉट से देखिए, यहां से X बराबर आ गया माइनस 2, तो यहां पर देखिए H2O में हमारे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ रही। इसी तरह से O2F2 में निकालते हैं, तो O2F2 में OT पूछी जा रही है, तो 2 × X, 2 × X+। अब देखो ये जो तुम्हारा फ्लोरीन क्लोरीन होता है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1, क्लोरीन की हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -1, ये जनरली आप लोग लेते हो। तो फ्लोरीन की -1 हो जाएगा, तो 2 × -1 बराबर 0। अब आप गौर से देखिए तो यहां पर हो जाएगा बच्चा 2X, जो कि मुझे ऑक्सीजन निकालनी है, -2 = 0। तो यहां पर देखिए अगर मैं बात करता हूं x बराबर कितना आना चाहिए, x बराबर देखो +1 आ गया, x बराबर +1 आ गया है ना। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन की हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, जैसे कि O2F2, आपका O2F2 में देखिए +1 आ रहा है, तो ऑक्सीजन भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है। डिपेंड करता है कि उसके साथ जुड़ने वाला एटम कौन सा है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ना। H2O2 की अगर H2O2 की बात करें, जिसे आप हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हो दोस्त, तो यहां पर ये हो जाएगा 2 × +1, और बात करते हैं हमारा 2 × ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो यहां पर X, भाई ऑक्सीजन की पूछी जा रही है, जिसकी पूछी जा रही है उसको मैंने X मान लिया। अगर आप गौर से देखिए तो ये 2 + 2X बराबर 0। अब फाइनली अगर मैं पूछूं कि बताइए यहां से X बराबर कितना होना चाहिए, तो X बराबर हो जाएगा -1, देख लो X बराबर -1। अब देखिए ऑक्सीजन की अभी तक हमने सारे के सारे फॉर्मूले में -2 लगाई, लेकिन ऑक्सीजन भी वेरिएबल कह सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है, डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला, यही सब इंपॉर्टेंट है। हरा इसके बाद आगे देखिए N2O में N की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी जा रही, NO2 में N की और NO में N की निकालते, तो अगर N2O में N की पूछी जा रही है तो N की हो जाएगी 2 × X, और ऑक्सीजन की सबको पता है -2 होती है, तो -2 बराबर 0। तो यहां से X बराबर बताइए कितना हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है N2O में, लेकिन अगर NO2 में पूछा जाता तो NO2 में कैसे निकालते, तो नाइट्रोजन की तुमने X मान ली, नाइट्रोजन की X मान ली, और प्लस 2 × ऑक्सीजन की -2 = 0। अगर फाइनली यहां से देखो तो X बराबर आ जाएगा +4, X बराबर आ जाएगा +4, देख लो। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर हो रही दोस्त, वो तुम्हारी हो रही +4, लेकिन किसमें, NO2 में। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मूला कैसा है, मैं आपको बताऊं। हालांकि एक और तरीका भी होता है केमिकल स्ट्रक्चर की मदद से, लेकिन वो आप लोग डिटेल में नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे हो जाएगा। NO की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की तुमने X मानी और ऑक्सीजन की सबको पता है -2, और एक ही ऑक्सीजन है इसलिए -2 देख लो बराबर 0। तो यहां पर आप कह सकते हो कि X बराबर कितना हो जाएगा, +2। X बराबर कितना हो जाएगा, तो कह देना X बराबर हो जाएगा +2। तो NO हो गया, NO2 हो गया, N2O हो गया, इन सभी में मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते दिखाई, ठीक है। उसके अलावा और देखिए, और कुछ पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है। अब देखिए मैं आपको आयन में निकालते दिखाता हूं, जैसे Cr2O7 -- लिखा हुआ है और इसमें Cr की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी जा रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये जो NO मैंने लिखा है ना, ये NO सिंगल नहीं होता, ये एक आवेश के साथ आता है, लेकिन उन्होंने आवेश नहीं लिखा, तो जैसा मैंने लिखा उसी हिसाब से मैंने इसको बताया है, याद आ रहा। Cr2O7 -, तो क्रोमियम की मैंने X मान ली तो ये 2X हो जाएगा, और आपको पता है ऑक्सीजन की -2, तो 7 × -2 प्लस पहले 7 × -2, और देखिए लास्ट में ऊपर -2 चार्ज लगे हुए, तो इसको लास्ट में मुझे -2 बराबर करना पड़ेगा, इस बार -2 बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये बताइए अगर इस बार -2 बराबर किया जाएगा तो ये 2X, और यहां पर देखिए कितना हो जाएगा 14, तो यहां से अच्छा ये -14 इधर जाएगा +14 और -2 बताइए। तो अगर मैं पूछूं यहां से X कितना हो जाएगा, तो 14 में से 2 जाएगा 12, और अगर 2 का डिवाइड भी कर देंगे तो +6। तो क्रोमियम की यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गई दोस्त, वो आ गई +6। ये देखिए NH4+, ये भी हमारा एक अमोनियम आयन कहलाता है, इसे बोला जाता है अमोनियम आयन है ना। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर मैंने X मान ली
और हाइड्रोजन की होती है प्लस वन, तो हाइड्रोजन की मैंने प्लस वन कर दी। और लास्ट में देखिए आवेश प्लस वन, इसलिए आपको प्लस वन भी आगे लगाना पड़ेगा। अगर मैं फाइनली पूछूं कि x बराबर कितना होना चाहिए, तो x प्लस चार बराबर प्लस वन, अगर मैं x बराबर पूछूं तो x बराबर हो जाएगा माइनस तीन। तो अमोनियम प्लस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस तीन आ रही, MnO4 माइनस में मैग्नीज की बताइए, तो MnO4 माइनस, तो मैग्नीज की मैंने x मान ली और ऑक्सीजन की देखिए माइनस दो, तो 4 × −2 बराबर माइनस वन बताइए। अगर मैं गौर से देखूं तो यहां पर x बराबर हो जाएगा 7, x बराबर प्लस 7, ओके, तो यहां पर मैग्नीज आ गई। तो ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको सीखना चाहिए। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि पहली चैप्टर में ये सवाल आया था, Cl2 में Cl3, O2 में O3 और N2 में NT, है ना। तो याद रखिएगा जब भी कभी Cl2 में Cl3 मतलब एक कंपाउंड आए, सिमिलर कंपाउंड आए, तो सिमिलर कंपाउंड में कैसे निकालेंगे, तो कह देना क्लोरीन की x मान लीजिए तो 2 × x बराबर 0, तो फाइनली बताइए x बराबर 0 आ गया, देख लीजिए। O2 में क्योंकि कोई चार्ज नहीं लगा, तो अगर मैं O2 में पूछूं तो 2 × x बराबर 0, तो O2 में OT x बराबर 0 बतानी है। यहां पर माइनस टू ना बता देना, ऑक्सीजन की गलत हो जाएगा सवाल। नाइट्रोजन में भाई नाइट्रोजन की तुमने x माना, तो 2 × x और बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो x बराबर 0। तो जब सिमिलर कंपाउंड मिल सिमिलर वो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि N2Cl2F2 O2O3, इसमें उस मॉलिक्यूल्स की, उस पार्टिकल की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो हमेशा 0 होती है। ओके चलिए और देखिए, ओके तो यहां से देखिए मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर सिखाया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी आपको, ये आप सीखे नहीं सीखे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं LP स्पेशल बैच शुरू हो चुका है, मैथमेटिक का अलग से और एडवांस का अलग से, आप दोनों कॉम्बो भी ले सकते हो। तो मैथ का कोर्स स्पेशली अनुराग सर लेके आए, एक बार आप पढ़ के देखिए, मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा जिनको लगता है कि हाँ UD सर अच्छी बात कहते हैं, अच्छा सिखाते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं, आपको इससे इनसे अच्छा मैथ का कोई मास्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, मैथ का जो कोर्स है आपको मिलेगा 799 और एडवांस का मिलेगा 499, लेकिन अगर आप कॉम्बो लेते हो, ये दोनों एक साथ लेते हो, तो ये आपको पड़ जाएगा 1099 में, है ना। हालांकि इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है, इसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है, मैक्सिमम मतलब औरों से ज्यादा, सबसे ज्यादा, है ना, जो आपको और कोई नहीं दे पाएगा। आप इसमें एक कूपन कोड लगाइए और कूपन कोड लगाइए YOGI10, ये आपका कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए, इसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा, बिना स्पेस के इस्तेमाल कीजिएगा, यहां पर आपको स्पेस नहीं देना। ओके, सेम तरीके से आप लोग LP का साइंस स्पेशल बैच भी ले सकते हो। वैसे मैंने तो एकदम देखिए मेरी आदत क्या है, मैं हमेशा इससे सोचता हूँ कि आप लोग कम से कम दामों में अच्छा कंटेंट पढ़ो, लेकिन लोगों की एक मानसिकता होती है जब उनको कम दाम दिखाई देता है ना, तो उनको लगता है कि यार पता नहीं अच्छा और नहीं होगा। तो जो लोग पिछले अभी एक दो महीने से मुझसे ग्रुप डी में पढ़ रहे हैं, वो लोग इसको एक बार जरूर लेके पढ़ लीजिए, अरे बार बार का साइंस का टेंशन खत्म। दाम बहुत कम है, लेकिन दाम कम होने से प्लीज क्वालिटी मत जज कीजिएगा, आप लोग मुझसे यूट्यूब पे पढ़ जुटो, अरे तो फिजिक्स 249 और केमिस्ट्री 249 और बायोलॉजी 249, लेकिन अगर आप ये सब पूरा कॉम्बो लेते हो तो आपको पूरा साइंस का कोर्स 499 में मिल जाएगा। इसके अलावा इनकी PDF वगैरह भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, 499 में भी आप डिस्काउंट पा सकते हो, इसमें भी आप डिस्काउंट पा सकते हो, और इसको डिस्काउंट के लिए भी आपको एक ही कूपन कोड लगाना है, जो कि आपको पाठशाला के हर एक कोर्स में डिस्काउंट देगा, YOGI10। ओके, तो कैपिटल में लिखिएगा YOGI10, आप इसको लगाइए, और माई पाठशाला हो, रेलवे पाठशाला हो, किसी तरह का कोई टेस्ट सीरीज हो, इवन आप कुछ भी यहां से वो लेते हो, चाहे 10 रुपए की चीज भी लोगे, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हो YOGI10। ओके, तो मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अगर मैथ फिजिक्स बायोलॉजी का कोर्स लेके मुझसे पढ़ चुके हो तो मैथ का कोर्स जरूर ले लीजिए, इसलिए ले लीजिए क्योंकि आप जब एक बार लोगे ना, तो बार बार आपको हर एग्जाम के लिए मैथ नहीं पढ़ना रहेगा। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करो, आपका ये इससे काम हो जाएगा, और काम नहीं सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और इसमें से किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो भी मुझे बताइए। बाकी मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, आप इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर मुझे जरूर निकाल के बताइएगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, है ना।
तो मैं जल्दी से आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, फटाफट देख लीजिए इसको। चलिए आप होमवर्क में ये क्वेश्चन लिख लीजिए, KMnO4, अरे चल भाई, KMnO4, इसमें आपको मैगनीज Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बतानी है कि इसमें और मैगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होनी चाहिए। ये मुझे आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, धन्यवाद।